दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों आपका इस फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज सवाल है, हम लगातार पहले लंबित भर्तियों के लिए संघर्ष कर रहे थे, बाद में कोरोना महामारी आई, फिर हम लोग बेरोजगारों का किराया माफी को लेकर अभियान चला रहे थे। अभियान लगातार चल रहा है और करीब 17-18 लाख रुपये माफ करवा चुके हैं, पास में जाकर या फोन के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठ के आ रहा था, इस लाइव में मैं चर्चा लंबित भर्तियों को लेकर भी करूंगा क्योंकि अभी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। लंबित भर्तियों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, शिक्षा मंत्री से मुलाकात और आगे की रणनीति को लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सवाल अब उठता है कोचिंग को लेकर, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में एक बात पहले भी आती थी कि कहीं ना कहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को ये कहीं कोचिंग वाले सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का कोचिंग वाले से कोई लेना देना नहीं है। और सीधा सा जो आज का लाइव है वो कोचिंगों के विरोध में ही है, उन कोचिंगों के विरोध में है कि जो कोचिंग जिन लोगों ने ऑफलाइन के लिए बेरोजगारों से पैसे लिए थे। हालांकि कुछ लोग ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं, लेकिन कई बेरोजगार ऑनलाइन कोचिंग नहीं करना चाहते, वो चाहते ऑफलाइन उनकी कोचिंग हो। और कई कोचिंग वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो उनकी एक बात निकल गई सामने, दोस्तों मैं लंबित भर्तियों को लेकर भी चर्चा करूंगा, बीच में कमेंट आ रहे हैं उनके लिए भी मैं चर्चा करूंगा, नई भर्तियों के लिए भी चर्चा करूंगा। लेकिन अब सवाल जो मैं बीच में वीडियो भी डालकर जो तमाम जो वर्तमान में जो भर्तियां चली उनकी स्थिति के बारे में आपको अवगत कराता रहता हूं। और लेकिन कई बार किराया माफी, आज जो अचानक जो मुद्दा आया, जब मैंने प्लानिंग का पता चला कि कुछ कोचिंग वाले प्लानिंग कर रहे हैं कि जो उन्होंने, क्योंकि अधिकतर जो कोचिंग जो चली, अधिकतर जो बैच चले वो फरवरी मार्च यानी कि होली के बाद, क्योंकि और या फरवरी में बैच चले यानी कि करीब महीने भर बैच चले और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो करोड़ों रुपए उनके पास फीस के रूप में है। आज वो यूट्यूब पर फ्री कोचिंग देने का काम कर रहे हैं, वैसे कई और भी हैं लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक सवाल उठा है कि अभी मुझे पता चला कि कुछ कोचिंग वाले एक प्लानिंग ये कर रहे हैं कि हम जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है और उसके बाद हम लोग कह देंगे इतनी तारीख से इतनी तारीख को हम कोचिंग करवा रहे हैं और आप आ जाइए, यानी कि वो अचानक कहेंगे तो कई बेरोजगार आने में असमर्थ भी रहेंगे, क्योंकि उस समय घर वालों ने उनके पास बजट था, जितना बजट उन स्टूडेंट को दिया था वो आए या रहे, बाद में कुछ मकान मालिकों ने भी किराया ले लिया, कुछ ने छोड़ भी दिया। लेकिन अब कई एक परिस्थितियां बदल गई कि अब हर कोई बेरोजगार जयपुर आ सकता है, जोधपुर आ सकता है, उदयपुर आ सकता है, अजमेर, वो नहीं है परिस्थितियां, और घर वालों की जो आर्थिक स्थिति वो भी कमजोर हो गई। ऐसे में कोचिंग वाले कह रहे हैं कि हम तो पढ़ाने के लिए तैयार है, स्टूडेंट आना चाहिए। तो ऐसे में जिन विद्यार्थियों के आने में असमर्थ है, यानी कि वो जयपुर में कमरा किराया लेकर कोचिंग करने में असमर्थ है, उनकी कोचिंग फीस उनको लौटाना होगा। मान लीजिए किसी का 50% कोर्स हो गया तो 50% उनको फीस वापस देनी होगी। ये अभियान हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि हमें किसी कोचिंग से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे गरीब बेरोजगार से, और इसके आदेश सरकार भी जारी कर सकती है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मेरे गरीब बेरोजगार छात्र नहीं मरना चाहिए। क्योंकि कोचिंग फीस देने के बाद अचानक लॉकडाउन लागू हुआ, सरकार के निर्देश पर सब लोग घर चले गए। अब जो 1-2 ही मार्च तो वहां जो कमरा किराया है उसको लेकर मकान मालिक कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं, धन्यवाद कई कोचिंग वाले फ्री में करवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों के उनसे जो पासवर्ड दे रहे हैं तो वो उसका बेस नंबर सब पता कर रहे हैं कि बाद उनको ऑफलाइन कोचिंग नहीं दे। लेकिन विद्यार्थियों, तमाम विद्यार्थियों ने जो भी उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग के लिए उन्होंने पैसे दिए थे, ना कि ऑनलाइन के लिए, क्योंकि आप सोच लीजिए करोड़ों रुपए उनके पास फीस आई थी उन बैचों की, फरवरी मार्च में जो बैच बने थे, पहले ही बैच चल रहे थे। एक कोर्स होता 6 महीने से 8 महीने तक का, तो आज आप 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख रुपए खर्च करके, 50 लाख रुपए खर्च करके आप यूट्यूब पढ़ा रहे हो, काम चलने वाला नहीं है। सभी कोचिंग वालों से मेरा निवेदन है कि आप उनकी फीस वापस लौटाएं, जो बेरोजगार अभ्यर्थी फीस देने में असमर्थ है, क्योंकि उस समय परिस्थिति अलग थी, अब परिस्थिति अलग है। और यदि फिर भी आप नहीं मानोगे तो हम राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ को आपकी कोचिंग के सामने बैठना पड़े तो बैठेंगे, उग्र प्रदर्शन करना पड़े, आपकी कोचिंग के ताला लगाना पड़े तो लगाएंगे, क्योंकि हम किसी भी बेरोजगार के साथ गलत नहीं होने देंगे। क्योंकि हम ये भी नहीं कहते आपको कि हमारी कोचिंग फीस करो, कभी नहीं कहते। तो आप बेरोजगारों से जब आपके पास जाते हैं, आप उनकी 1 रुपये फीस कम नहीं करते हो, तो अब आपका अधिकार है उनकी फीस वापस लौटाना। हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कुछ कोचिंग वाले बहुत ही अच्छे हैं, मैं सारी कोचिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कोचिंग वाले अच्छे भी हैं,
जो हमेशा युवाओं को बेरोजगार को कोऑपरेट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो और है कि वो सोच रहे कि ऑनलाइन से काम चल जाएगा, वो ऐसा हम कभी भी नियम नहीं देंगे। जो विद्यार्थी सब इच्छा से ऑनलाइन लेता है वो कहता है कि मुझे ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, उनकी आप फीस नहीं भी दो क्योंकि वो ऑनलाइन कर चुका तो फीस की वो आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ऑनलाइन नहीं करना चाहता, ऑफलाइन ही करना चाहता है, तो उनको उसी फीस पे फीस कोचिंग करवानी है। और यदि कई अभ्यर्थी जयपुर आके कमरा किराया नहीं ले सकते हैं, नहीं रुकने का प्रयास करते हैं, तो वो फीस वापस मांगे, चाहे उसकी 20% हो, चाहे 30% हो, चाहे 40% हो, चाहे 100% हो, 80% हो, आपको वापस लेनी होगी। ये अभियान हम चला रहे हैं और इस संबंध में मैं एक लेटर आज लिखा था, एक जो फीस वापस देने वाला लेटर मैं कल सोमवार को फिर लिख के दूंगा। और जो बेरोजगार लगातार, क्योंकि मेरे पास काफी कॉल मैसेज आ रहे हैं, मुझे रणनीति का पता चला कि कोचिंग वाले ये रणनीति कर रहे हैं कि हम, क्योंकि बेरोजगारों के पैसे हैं करोड़ों रुपए उनके आगे 10-20-50 लाख में यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन नहीं देंगे। कुछ कह रहे हैं कि हम तुम जैसे लॉकडाउन खुला रहा हम कह देंगे इतनी तारीख से इतनी तारीख को आ जाओ, तो ऐसा थोड़ी कि बेरोजगार फ्री बैठा है, आर्थिक स्थिति कैसी वो तभी आ जाएगा। तो उसमें बेरोजगार को राहत चाहिए, जो आना चाहिए उसको कोचिंग करा दीजिए, उसी फीस में जो ध्यान आना चाहिए उसकी फीस लौटाए। यह अभियान हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा और कोचिंग वालों के सामने मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे, बेरोजगार को राहत प्रदान करेंगे तो आपका भी भविष्य सुरक्षित रहेगा क्योंकि आप भी कमाई कर पाओगे। और आप बेरोजगारों को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बेरोजगार आपसे कैसे जुड़ेंगे? और आज कल बेरोजगार महासंघ उनको न्याय दिलाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग इसमें विरोध में होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बेरोजगारों के लिए लड़ता हूँ, चाहे मेरी जान चाहे चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, खुला चैलेंज है, खुली चेतावनी है, क्योंकि बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज और कर रहा हूँ, एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं कल एक कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे कि बात वायरल हो रही थी कि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आने वाला है, रुपेन जी अब मांग कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये पता नहीं कि आप मेरे ट्विटर उठा के देखिए, हमने दीपक उत्पे जी जो RPSC के जो अध्यक्ष हैं उनको हमने मेल किया है, उनको लेटर लिखा है कि हमने खुली चेतावनी दी है, फिर चेतावनी दे रहा हूँ कि RPSC का रवैया सुधर जाए, कैलेंडर जारी होना चाहिए, स्कूल व्याकरता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो, AN भर्ती 2018 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो, SI भर्ती का इंटरव्यू की डेट जारी हो, जो वन रेंजर भर्ती है उसकी परीक्षा तिथि जारी हो, जो तमाम भर्ती प्रक्रिया आप शुरू करें, कैलेंडर जारी करें, अन्यथा मैं खुले चैलेंज के साथ कह रहा हूँ यदि आप परिणाम जारी नहीं करते फिर लापरवाही सुधारते हो तो RPSC का घेराव नहीं अध्यक्ष साहब आपका घेराव करेंगे, आपको गाड़ी सुधारेंगे, आपको रोकेंगे, खुला चैलेंज है, मैं सोशल मीडिया पर आपको चेतावनी दे रहा हूँ क्योंकि थक चुके आपको अध्यक्ष आप बने हो युवा बेरोजगारों की सेवा करने के लिए, राजा बनने के लिए नहीं है, आप सुनते नहीं हो, किसी बेरोजगार से मिलते नहीं हो, समय पे RS भर्ती 2018 कब तक लंबी थी, अब आप लगातार अब अनदेखी कर रहे हो, इसलिए बेरोजगार आक्रोशित, ये मेरा गुस्सा कहीं यादव का नहीं है, ये तमाम बेरोजगारों का आपके प्रति गुस्सा है। जो एक संवैधानिक संस्था है लोगों का विश्वास था, विश्वास उठता जा रहा है, समय पे आप परिणाम नहीं निकालते हो, परिणाम निकाल देते हो तो फिर उसमें कई कमियां छोड़ देते हो, बेरोजगार लटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो इसमें आपको सुधार करना होगा, आपको सुधार करना होगा। इसलिए जो दुगुना का परिणाम के आपने अच्छा किया था क्योंकि वेटिंग वाला, लेकिन अब अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एक गुने का परिणाम ही निकालें, तो आप उनकी मांग पर भी ध्यान दें। तो दीपक उत्पेदी जी आपसे निवेदन है कि आपको पता है कि पुलिस भी आपके पास है, आपके पास वैधानिक पद है, पावरफुल, लेकिन जज यादव क्या मुकदमा दर्ज हो जेल में डालेंगे, लेकिन जो कह रहे हैं वो करके रहेंगे, आपकी गाड़ी का घेराव कर देंगे, अभी समय है, परिणाम जारी करें, बेरोजगार को राहत प्रदान करें। और मेरा पुराना रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, हमने चेतावनी दी तो पूरी भी की है, लोगों में आक्रोश है, गाड़ी का घेराव आपका घेराव पड़ा, कोई घटना हो जाए इससे, क्योंकि उस आक्रोश का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि परिणाम और कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करें। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, कल मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के बारे में बात हुई थी, 2013 जो 583 उसके बारे में बात हुई थी, नीट के बारे में बात हुई थी, कंप्यूटर शिक्षा भर्ती संबंधी बात है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोरोना की वजह से कई अधिकारियों से मीटिंग नहीं हो पा रही, हमने रीट की मीटिंग की, उसमें अभी तक पंचायत राज विभाग में भी कुछ नियमों में संशोधन होगा, मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी भर्ती निकाले कोर्ट में अटके, हम नियमों में संशोधन करवा रहे हैं, पारदर्शिता से छात्र भर्ती पूरी कर रहे हैं, मैं जल्दी मीटिंग लूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब लोग परेशान हो रहे हैं भर्तियों को लेकर, सेकंड ग्रेड का परिणाम हो चाहे रीट के लिए हो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैंने कहा था कि 19 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री जी ने टाइम दिया है, मैंने उनसे टाइम भी मांगा था, उन्होंने मुझे टाइम भी दिया था कि 19 तारीख के बाद मिलेंगे, तो कल मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि देखो कोरोना काल चल रहा है, लगातार अधिकारी भी नहीं आ पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुझे शायद टाइम देने में 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन फोन पे मेरी जो बात हुई जो मैंने ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को बताया था, उन्होंने ये कहा कि पारदर्शिता के साथ रीट 2020 का आयोजन करेंगे और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सामने वो रखेंगे, और जो पंचायत राज रूल्स में
जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यदि दो एग्जाम होती तो चेंज होगा। और भी कई चीजें हैं डिट के बारे में, आपको विस्तार से आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि, और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था 2 सितंबर में नहीं होगी। पैटर्न के बारे में मैंने 24 दिसंबर को बता दिया था, बाद में लोग कॉपी करने वाले आए थे, और हम तो धरातल पे काम करते हैं। जल्दी मैं शिक्षा मंत्री से मिलूंगा तो आपकी बात भी रखूंगा, लेकिन गेट वाले अभ्यर्थी लगातार दुखी है, परेशान है। लेकिन दोस्तों एक चीज बताओ, आप लगातार मुझे कमेंट करते हैं, कई भर्ती लोगों को कमेंट आ रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि यार आप भी सरकार जैसे झूठ बोलने लगे, आप भी हमें गोली दे रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, ये दे रहे हो। लेकिन आप अपने अंतरात्मा पे हाथ रखिए, पूछिए कि आपकी आवाज उपेन्द्र यादव के अलावा कौन उठाता है। 200 MLA आप लोगों ने बना दिया, कोई कहता है कि किराया माफ हो, कोई कहता है कि कोचिंग की फीस वापस हो, कोई कोरोना में घूम रहा है क्या, घर घर जाके हाथ जोड़ रहा है क्या, कोई कोई भर्तियों के लिए। मैं CMO जाके आऊँ 15 तारीख को, पहले भी जाके आऊँ CMO 15 तारीख को जाके मैं हर बात रख के आऊँ हर भर्ती की। उससे पहले 11 अप्रैल को मैंने लेटर लिख के दिया, खुद मेहनत करके सारे आंकड़े बनाकर, चाहे नई भर्ती की मांग हो चाहे पुरानी भर्ती पूरी होने की मांग हो, हर चीज़ कौन उठा रहा है मेरे अलावा। सोचिए आप सवाल उठाने से पहले आप सोचिए कि आपके लिए कौन जेल जाता है, कौन अनशन करता है, कौन लाठियां खाता है, कौन भागता है। उपेन्द्र यादव के अलावा कोई भी आपके पेशे नहीं है। किसी को वोट से मतलब है, किसी को नोट से मतलब है, और किसी को भाषणबाजी से मतलब है, किसी को लेटर पेड पे लिखकर सस्ती लोकप्रियता से मतलब है। लेकिन जब लट खाने की बारी आती है तो आपका भाई लट खाता है, जब अनशन करने की बारी आती है तो आपका भाई अनशन करता है, जेल जाने की बारी आती है तो भाई अनशन जेल जाता है, कभी पीछे नहीं हटा। और एक बार फिर हम रणनीति बना रहे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया, क्योंकि 15 मार्च को मैं मिला था, खुद मुख्यमंत्री जी ने मुझे पकड़ के एक साइड में ले जाकर यही कहा था कि आप अकेले आना, कुछ इसमें भर्तियों को लेकर अच्छा रास्ता निकालेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे खुद को कहा, संवेदनशीलता से पहले 3 मार्च को मैं मिला था, तो उसके बाद कोरोना आ गया और फिर एक चुनाव आ गया, तो मुख्यमंत्री जी बिजी थे, वो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे समय मिलेगा तो मैं मिलूंगा, मजबूती से आपके बात रखूंगा। और रही बात कुछ लोग क्या चाहते हो, बोले कि एक कमेंट दे रहे थे आप ट्यूटी करते रहोगे क्या, भैया ट्यूटी एक माध्यम है, ट्यूट के माध्यम से CMO को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री को टैग कर देते, उन तक बात चली जाती है। मेरा ट्यूटर को भी चेक किया जाता है CMO के द्वारा, हर चीज़ अब वहाँ कि हम क्या करने वाले क्या, वो हर चीज़ उनके पास अपडेट रहती है। तो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार आप लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। अभी कोरोना चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, 5 से ज़्यादा हो गए तो किसी को गिरफ्तार करेंगे, तो वो चीज़ कर नहीं सकते। इसलिए फिर भी आपने देखोगा ट्विटर के माध्यम से लगातार आपकी भर्तियों की मांग उठाई, चाहे पुरानी हो, चाहे लंबित हो, चाहे नई हो, सबकी मैंने मांग उठाई है, परिणाम जारी करने की मांग हमेशा, जहां जब रुसा रुसा गलत हो। अब जैसे मान लीजिए किराया माफ अभियान चला, अचानक आया तो लोग भर्तियों की बात कर, अरे मैं भर्तियों की बात कर रहा हूँ लेकिन किराया माफ भी हो रहा था, अपने ही साथी हैं, अपने ही भाई हैं। कई लोग मुझे लगातार कॉल और मैसेज करते हैं, मैं उनसे समझ चाहता हूँ कि मैं अकेला सब जगह नहीं पूछ पाता, क्योंकि कई लोग बड़ी आशा के साथ मुझे फोन करते हैं कि उपेन्द्र जी आप माली नगर आइए, आप आदर्श नगर आइए, आप टोंक फाटक आइए, मैं जहाँ आप गुजर थड़िया जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन हर जगह नहीं पूछ पाता। मैं कोई वो MLA नहीं हूँ कि जो मुझे 1-1.5 लाख रुपये सैलरी मिलती है कि गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके मैं सब जगह पहुँच जाऊँ, कोशिश करता हूँ जहाँ मुझे समय लगे मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूछने की, मैं पूरी मदद कर रहा हूँ, पूरी मदद कर रहा हूँ। यदि कई लोगों को लगता है कि मान लीजिए मैं सापरा का रहने वाला हूँ तो मुझे MLA बनना है तो वहाँ जाके मैं वो करूँ, आप सबके लिए पूरे प्रदेश के तमाम बेरोजगारों के लिए कर रहा हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान परिवार से निकल रहा हूँ, मैं दर्द जानता हूँ। पटवारी, पुलिस, जो ये जो कांस्टेबल, जो इसके अलावा जो LDC, ये कौन बनता है? एक गरीब परिवार, एक सामान्य परिवार से निकल के आते वो व्यक्ति ही नौकरी की तैयारी करते, कोई राजनेता का, कोई नेता का, कोई राजा महाराजा का, कोई मंत्री का, कोई MLA का बेटा कभी नौकरी के लिए तैयारी करते हुए देखा क्या? उनका आवश्यकता नहीं, आवश्यकता तो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को है। तो फिर भी मैं हर व्यक्ति के साथ जाता हूँ। मैं अभी मेरे दोस्त के ऑफिस में से लाइव कर रहा था, ज़्यादा तेज बोल भी नहीं पाऊँ, लोग सोच रहे कि आज आवाज़ किसी दी नहीं है, आवाज़ दी है लेकिन जज्बा और जो मेरी भावनाएं हैं, मेरे जो अंदर जोश है वो कभी कम नहीं होगा। कि कई लोग देख रहे हैं कि पहले उग्र थे, बहुत तेज तर्रार थे, अब ठंडे के, ठंडा नहीं हो, समय आने के बाद पता लग जाएगा। कुछ परिस्थितियाँ होती है कि पीछे हटना भी पड़ता है, समय आने पर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगी, सेकेंड ईयर भर्ती 2018 के भर्ती की समस्या समझता हूँ मैं, मेरे से जितनी मदद होगी मैं करूँगा। आप अनशन में बैठे तो लगातार अजमेर में आपके साथ पास जाता रहा और आपकी मांग उठाता रहा। LDC भर्ती 2018 में भी कई जो बीमा विभाग वाले भी, कई विभाग वालों की जो संस्कृत एजुकेशन है कई जगह अटकी पड़ी है, उसकी मैंने शिकायत की है। सोमवार को फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मजबूती से बात रखूँ। कई जैसे कई विभागों की समस्याओं का हल हो गया, धीरे धीरे वो हर विभाग की समस्याओं का
हल करें। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मैं लगातार बात करता हूँ, लेकिन लोगों को कॉल और मैसेज आते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जो आजकल लालू का उद्देश्य ये था, एक तो क्योंकि मान लो कोचिंग फीस कम होगी, किसको होगी, आप लोगों की होगी। ठीक है यार, कई ऐसे गरीब बेरोजगार हैं जो किसान के बेटे हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं। उस समय तो घर वालों ने कहा कि बेटा जा, मैं कर्जा लेके देता हूँ, तैयारी कर, तो कैसे नौकरी लग जाए। आज आर्थिक स्थिति कमजोर होती, दोबारा कर्जा कहाँ से लेके आएंगे, पहले वाला कर्जा नहीं चुका पाए तो कहाँ से वो कोचिंग करा पाएंगे। तो उनकी फीस वापस होनी चाहिए, फीस वापस होनी चाहिए। ऑनलाइन करने वाला ऑनलाइन करे कि वो संतुष्ट है, क्या ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग खुश है उनके ऊपर, लेकिन कोचिंग वालों ने अरबों करोड़ रुपए आप लोगों से कमाए, उनका फर्ज है पैसे वापस देंगे। ये मुहिम हमने चलाई है, पहले किराया माफी वाले चले, वो लगातार चल रही है, लंबित भर्ती को लेकर मैं लगातार आपको पता है मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात मेरे कुछ जो बहने हैं एनम भर्ती 2013 और जीनम के मेरे भाई है, वो भी लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं। उन बहनों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, जिस दिन मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, प्राथमिकता के साथ आपकी बात रखूंगा कि आप 7 साल से संघर्ष कर रहे हो, कितनी बार मंत्रियों ने आश्वासन दिया, कमेटी बनी, मुझे आपके हर आंसू का पता है। मैं भी 12 बजे तक आप लोगों को देखा था जब आप सड़क हो गए थे। मेरे से ज्यादा आपकी जो 7 साल में दुर्दशा हुई कोई नहीं जान पाएगा। तो इसलिए बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा। और उसके बाद हम यदि मान लीजिए नेगेटिव कुछ आता है तो बैठ के मैं आपके साथ जितना साथ होगा मैं दूंगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि मुख्यमंत्री से वार्ता हो, हमारे सरकार से वार्ता, हमारा काम हो, तो प्यार से माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, सुन रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उनसे मिलकर आपकी बात मजबूती से रखूंगा। LDC भर्ती 2018 जो 10029 पद है उनके भी लगातार कॉल आ रहे हैं। अर्केश मीणा जी जो हैं वो उनके साथ ही कई कॉल कर रहे हैं, तो उनको मैंने फ़ोन करके सारी चीज़ें बता दी है। मैं भूला नहीं हूँ, 10029 पद मुझे याद है, 2013 5 मार्च को जो आदेश हुए, तो मुझे सब पता। लेकिन मैं समय आने पर हर व्यक्ति की बात रखूंगा, क्योंकि लोगों की आशा है, तो मैं हर व्यक्ति की आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। दोस्तों 4-5 भर्तियाँ हैं, जो फायर की ड्राइवर की भर्ती 2015 193 पदों पर, उनको मैंने कह दिया था जुलाई में सुनवाई है, 7 जुलाई को, तो 1 जुलाई से उनके साथ मैं अधिकारियों से मिलकर उसको सुनवाई करने की पूरी कोशिश करूँगा उनके साथ, वो तो 1 जुलाई के अंदर जाकर। इसके अलावा जो 4 भर्तियाँ हैं, सुपरवाइजर कृषि प्रेक्षक जो एजुकेशन सुपरवाइजर, महिला जो आंगनबाड़ी वो महिला सुपरवाइजर है, इसके अलावा RS भर्ती है, ये 3 भर्तियाँ हैं। तो महिला अधिकारी वाली जो है उसमें तो स्टैंडिंग, लेकिन इसके लपेटे में उसको भी ले रखा है, 4 भर्ती हो गई। अब एक चीज़ बताओ, इससे ज़्यादा क्या प्रयास कर सकते हैं, मुझे एक चीज़ बताओ। भाग दौड़ करके एडवोकेट जनरल साहब को करवा दिया, सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र लगवा दिया, ऑफलाइन सुनवाई हो नहीं रही थी, ऑफलाइन में तो एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जाके निवेदन कर लेते साहब आप इसमें जल्द से जल्द सुनवाई करिए, उसमें रजिस्ट्रार साहब बैठते हैं, एडवोकेट साहब जाके आए थे, एप्लीकेशन लगाई, तो आपने देखा होगा कि वो साइड पे भी आ गई थी, प्रयास पूरा किया गया था। लेकिन आप लोगों के लिए देर है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए फायदा यह है कि जब भी आपकी सुनवाई होगी तो एडवोकेट जनरल साहब आपकी पैरवी में उतरेंगे, और जिससे RS भर्ती 2018 भी स्टेट रहेगा, STF का प्रकरण प्रयोगशाला सही भर्ती भी है इसमें, और 3 जो और मेरी भर्तियाँ बताई, ये भी बिल्कुल सुपरवाइजर महिला सुपरवाइजर सब में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैंने आपको भूला नहीं। मैं इसलिए कि कोर्ट बंद हो गया, अब जो बेंच बनी है इन बेंचों में सुनवाई नहीं होगी, ये अति आवश्यक जो क्रिमिनल जैसे कई केसों की सुनवाई करें, ये सर्विस मैटर में नहीं पड़ रहे, इनमें नहीं होगी। अब तो जो 29 जून से आपके कोर्ट खुलेंगे, उसके बाद मैं जल्द से जल्द सुनवाई करवा कर आपके स्टेटमेंट की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों से वादा करता हूँ। उससे पहले कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं कई बार वीडियो में या ट्वीट पर इसलिए नहीं डाल रहा कि अभी हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा कोर्ट खुलने का, क्योंकि अब दीर्घकालीन जो अवकाश आ गया, इसलिए आप थोड़ा सा विश्वास रखें। हमने प्रयास किया, एडवोकेट जनरल साहब आप लोगों के लिए किया गया, एप्लीकेशन लगे, दुर्भाग्य था कि सुनवाई नहीं हो पाई, तारीख नहीं मिल पाई, लेकिन अब विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी सुनवाई होगी तो आपको जल्द से जल्द राहत दिलाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं एक बार कुछ सवाल और देख लेता हूँ, क्योंकि लोगों के सवाल और जवाब आ रहे होंगे, क्योंकि कमेंट देखने के लिए मैंने राजस्थान पुलिस की एग्जाम भैया जुलाई के लिए कह रहे हैं, अब जुलाई अगस्त कोरोना समाप्त होगा उसके ऊपर, यदि कोरोना से हमें राहत मिल जाती तो जुलाई में होगी, नहीं तो आगे अगस्त तक में जा सकती है आपके। जूनियर अकाउंटेंट 2013-17-51 भाई एक बार कोरोना थोड़ा सा हल्का जाए, अब न तो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं न कुछ करें, आपके प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं जाऊंगा, पहले मैंने कहा था।
एमआर मंगलिया जी, आपने कहा कि भैया मेरे फोन में दो सिम है, मैं दूसरे फोन पे बात करता रहता हूँ तो दूसरा नंबर नहीं लगता, तीन नंबर है, एक फोन पे मैं बिजी हो गया तो दूसरा फोन नहीं उठा पाया, तो लोग कहते हैं कि हमारा फोन नहीं उठा पाता, मजबूरी समझिए। अकेला इंसान हर भर्ती के लिए, अनेक भर्तियां हैं, अनेक समस्याएं हैं, दो से एमएलए नहीं आते हैं, वो लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं भागते हैं। मैं कई बार फोन नहीं उठा पाऊँ तो नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, मैं लाइव क्यों आ रहा हूँ, मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, केवल आपकी समस्याओं के लिए मैं लाइव आ रहा हूँ, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनका निराकरण करवाने के लिए, मदद करने के लिए मैं लाइव आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नाराज ना हो। सूचना साहित्य 2013 वाले ने बताया दिया, लाइब्रेरियन की एग्जाम कब होगी, सितंबर अक्टूबर में हो सकती है, रामदेव गोदारा जी। रीड पैटर्न के लिए जो मैंने बताया था दो भी हो सकती है, दोनों पे विचार हो रहा है, जो अच्छा होगा आपके हित में होगा वही होगा। सोनाल जी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 नियुक्ति, बिल्कुल मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मेरे पास राजेश बदाला जी को कॉल आ रहे हैं, अमित शर्मा जी के, मैं लगातार पूरा प्रयास कर रहा हूँ और जैसे होगी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। मनमोहन सेन जी 2015 अग्निशमन 193 पद, मुझे पता है मैंने जुलाई के लिखा है। धन्यवाद दिनेश भाई। रीट मीटिंग, अरुणा जी रीट के लिए कल ही शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, जो भी अपडेट होगी मैं दे दूंगा, पहले भी आप लोगों को बताया था हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पद भी बढ़े, वेटेज भी खत्म हो, सामान्य ज्ञान भी ज्यादा है, कॉमर्स वालों को लिया जाए, जिसे शिक्षकों को पता है वो पूरी कोशिश करे और सब में हमें राहत मिलेगी। बीएड वाले फर्स्ट लेवल में अलाउ हो क्या, कल शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जो एनसीटी में बदलाव हुआ है उसमें राय ली जा रही है कि किस प्रकार क्या करना है, तो बीएड वाले भी मामले भी कल शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई थी। तो दोस्तों इस मामले में अभी नियमों के अनुसार ही होगा, अब एनसीटी के नियम क्या कहते हैं। नितेश यादव जी, आप प्रार्थना कर रहे हो, हाथ जोड़िए, मुझे आवश्यकता हो तो मुझे बात करा दीजिए, मैं भी निवेदन करूंगा, केवल गांधीगिरी से ही हम किराया माफ करवा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के लिए लगातार हमने चेतावनी दी है आने वाले वीक के लिए, मुझे तो इस महीने का आश्वासन दिया था, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सोमवार से रिजल्ट आना शुरू हो सकता है, लेकिन जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाए आप ये न सोचिए कि रिजल्ट आ गया, हमें प्रयास करना होगा, संघर्ष करना होगा, लगातार हम सोशल मीडिया से, मीडिया के माध्यम से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं लगातार लेटर लिख रहा हूँ। 15 तारीख को सीओ में जाकर फर्स्ट ग्रेड की भी मैंने बात रखी थी, आरपीएससी की अलग बात रखी थी, अधीनस्थ बोर्ड की अलग, तमाम मैंने जो चीजें मुझे याद थी मैं लेके गया था, मैंने उनके सामने रखी थी और उन्होंने नोट किया था कि वो आरपीएससी के अधिकारी से बात करेंगे। लेबर असिस्टेंट का मामला वही है, पटवारी कब होगी भैया, पटवारी सितंबर अक्टूबर, फार्मासिस्ट और पुस्तकालय अध्यक्ष होगी, तो ये देख लीजिए नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी आगे जाएगी पटवारी। बिल्कुल कैलेंडर जारी होना चाहिए, कनिष्ठ अनुदेशक का अंतिम परिणाम इस महीने में आ जाएगा भैया, आने वाले वीक में आ जाए, इंतजार करिए, आने वाले वीक में आ जाएगा कनिष्ठ अनुदेशक का परिणाम, इंतजार करिए। 587 के लिए सुरेंद्र भाई पूरी कोशिश है, आपकी फाइल दोबारा चल चुकी है, बस सीएम साहब से मिलने का इंतजार है, मुझे आपकी पीड़ा पता है, मजबूती से मैं आपकी बात रखूंगा। भाई जूनियर अकाउंटेंट 2013 के लिए कह रहा हूं ना, मैं आपके साथ हूं, आपकी बात रखूंगा, लेकिन एक बार कोरोना सही हो जाए, आपका प्रतिनिधि मंडल आए, मैं आपके साथ सीएम सचिव साहब से वार्ता आपकी खुद की कराऊंगा, मैं आपके सामने बात रखूंगा। एसटीएफ वाला मामला पता भैया, एनटीटी का भैया इसी महीने में आएगा, फिर डेटा अधीनस्थ बोर्ड नहीं पूछा, रामजी लाल जी मुकुट में वापस हो जाएंगे, नो टेंशन रहो आप। नरसिंह भर्ती जो लेखराज जोरलाल जी, मुझे पता है दिल से मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपकी पीड़ा पता है, अभी मैंने बहनों का दर्द कई सालों से देखे, उनके आंसू देखे हैं, मैं साथ हूँ। सामान्य प्रशासन के एलडीसी का अटक गई क्या, चलो ठीक है इसको मैं नोट कर लेता हूँ। रोडवेज की मोटर वाहन उपनिदेशक वाली भैया, आरपीएससी के लिए कहा जा रहा है कि आरपीएससी कार्रवाई के भी कार्यभाग में फाइल पड़ी है, और फिर किसी व्यक्ति का फोन आया था, वो कह रहे हैं कार्यभाग से तो वो परिवहन विभाग चली गई, एक बार मैं प्रताप सिंह जी से खाचरवा जी से इस संबंध में बात करूंगा, जिसे इसकी वैकेंसी जल्द से जल्द आई। कंडक्टर के मैंने लिखा है यार, पहले मैंने एक लेटर लिखा है नई भर्तियों के लिए, तमाम विभागों, चाहे बिजली विभाग हो,
कि बिजली विभाग के जो आईटीआई की व्यक्ति है वो आईटीआई योग्यता पे भर्तियों की मांग कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। बिजली विभाग में भर्ती आए हैं, चाहे कंडक्टर की भर्ती हो, सबकी भर्तियों की हम लगातार मांग कर रहे हैं। मैंने लेटर लिखा था क्योंकि आप लोग देख नहीं पाते, आप मेरा ट्विटर अकाउंट ओपन या तो ऑफिशियल पे सीधा जुड़िए, वहां देखिए, मैं ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, संबंधित मंत्री को टैग करके उन तक बात पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना का काल में हमारे पास एक सोशल मीडिया, मीडिया के माध्यम से आवाज उठा सकते हैं, लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं। तो कई लोग देख नहीं पाते, ना फेसबुक पे देख पाते हैं, ना ट्विटर पे देख पाते हैं, बाद में कहते हैं हमारी आवाज नहीं उठाई। भैया मैं लगातार हर व्यक्ति की आवाज उठा रहा हूँ, आप सीधा जुड़िए, चेक करिए। आइए कब एक लोग, यार ये आइए कब एक लोग बाकी है क्या? भी अंकुश जैन जी, इस वीक का इंतजार करो, मैं कल बात करता हूँ, कल तो नहीं संडे, मंडे को बात कर, कल ही बात करके बताता हूँ आपको इसके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले, वोमन सुपरवाइजर भी वही एसटीएफ मामला है। वन रेंजर वाला भैया पहले आपके फोरम नहीं आई थी, आवेदन पर क्या सुनी हुई थी, फिर हम पूछे लगातार मेहनत की, उसके बाद आवेदन पर क्या सुनी, अब परीक्षा बाकी रहेगी। तमाम ये स्थिति हो गई कि परीक्षा के लिए, यानी कि विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए, भर्ती निकलवाने के लिए संघर्ष करो, और भर्ती आ गई तो परीक्षा के लिए संघर्ष करो, और परीक्षा आ गई ना तो रिजल्ट के लिए, रिजल्ट आ गया तो दस्तावेज सत्यापन के, दस्तावेज सत्यापन हो गए तो ज्वाइनिंग के लिए, हर पल पल हर जगह पे संघर्ष करना पड़ता है। क्या करें, सिस्टम ऐसा है, लेकिन सिस्टम से लड़ेंगे और जीतेंगे, हम सबको मिलकर सिस्टम से लड़ाई लड़नी होगी। एक मजबूती से हम रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम छुप बैठे, नहीं, रणनीति भी बना रहे हैं, बड़ा धमाका भी होगा। कौन सा कोचिंग सेंटर खोलने की बात कर रहे हो? ये चीन वाले नहीं सुधरेंगे, ये देखो मेरे भी बीच में मोबाइल में डाले, सुधर जाओ चीन वालों, तुम्हारे जूते पड़ेंगे। मेरे सबसे मेरे उन्हें शहीदों को भी नमन करना चाहूंगा जो हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं फ्री सेवा, देश की सेवा के लिए मैं आने के लिए तैयार हूँ, मुझे बॉर्डर पर कहीं भी भेज दीजिए, जान भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम देश के साथ हैं, हमारे लिए देश पहले है। ये चाइनी नहीं सुधरेंगे। और दोस्तों एक चीज और कहना चाह रहा था, एक छोटा सा मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि लोग कह रहे हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, कई लोग टीवी मोबाइल फोड़ रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए हमने पैसे खर्च कर दिए, मान लीजिए मोबाइल है 10,000 रुपए का मैंने फोड़ दिया, तो 10,000 रुपए मेरे पास कहां से आएंगे? खुद को नुकसान मत पूछो, भविष्य में कोई भी सामान नहीं खरीदे, शपथ लो आप सब कि हम शपथ लेते हैं आज कि न तो मैं खरीदूंगा, न मेरा परिवार के सदस्य कोई सामान खरीदेंगे, कोई भी चीज सामान नहीं लेके, वो आगे के लिए शपथ लो, खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, आप पैसे जो आपने खर्च कर दिए वो चीन तक पहुंच चुके, तो खुद को नुकसान मत करो, लेकिन भविष्य की शपथ खाओ कि आज हम शपथ खाते तब हम सबको मिलकर ये अभियान को मजबूती से चलाना होगा, जिससे चीन की कमर हम तोड़ सके। रीड 2020 का मुझे पता भैया जुलाई में सुनवाई होगी, मैंने केला जी और अरमान जी को मैंने फोन किया था, केला जी से आज फिर बात करूंगा, एक बार वो फैसले कॉपी आ जाए 2018 लेवल 2 को, मैं नहीं बुला हूं, नहीं बुला हूं। और एक प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 पदों का जो इसकी है चिकित्सा विभाग की, उसमें वो लोग कोरोना में कभी बूट पॉलिश कर रहे, कभी भीख मांग रहे, रघु शर्मा जी आप चिकित्सा मंत्री जी हैं, इनकी इज्जत करिए, कोरोना योद्धा है, ये सेवा दे रहे हैं, पीपी के पैर के 4-4 घंटे तक, तो इनकी समस्याओं को समझे, इनको ज्वाइनिंग दे 1534 पदों पर। ऊर्जा विभाग की भैया आपकी मैं बिल्कुल बात रखूंगा, चलो काफी लंबा हो गया लाइव, लेकिन उद्देश्य यही था कोचिंगों को लेकर कि कोचिंगों की फीस वापस बेरोजगार को लौटाई जाए, जो बेरोजगार वापस नहीं आ पाए और जो आ जाए उन्हीं फीस में वापस कोचिंग करवाई जाए, वो अभियान हमारा अब चालू होगा जैसे कोरोना समाप्त हो। एक चीज और मैं कह रहा था साथियों, एक मैंने आज एक लेटर लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द कोचिंगों को खोलने के लिए फैसला करें, कुछ लोगों को लेटर की लैंग्वेज या फिर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ जानबूझकर ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कल कोचिंग खोल दो, वो कह रहे हैं कि उपेन्द्र यादव जी बोले बच्चों को मरवाना चाहते कोरोना में, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे सितंबर में खुले, चाहे अक्टूबर में खुले, चाहे जुलाई में खुले, चाहे दिसंबर में खुले, जिससे बेरोजगार अपने आप को ये कह सके हाँ कि हमारी कोचिंग शुरू होगी। कई लोग चिंतित हैं कि यार हमारी कोचिंग शुरू होगी कि नहीं होगी, फीस का क्या होगा,
हम लोग कोचिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जिससे क्या है कि एक बार वो लोग अपना लक्ष्य बना लेंगे, अपना टारगेट बना लेंगे, जिससे वो उनको पता चले कि कोचिंग कब होगी। मैं ही नहीं करा कल से फॉलो। और अब धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं, 77% से ज्यादा रिकवरी रेट जो सही होने की रेट राजस्थान की है धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो गई है, सुरक्षा भी है, लोग अब लोग जा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, जयपुर सब जा रहे हैं। यार मैं भी लगातार घर घर जा रहा हूँ, मैं तो अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, घर से निकलना होगा, सुरक्षा रखनी होगी। और ये नहीं करो कल ही कोचिंग खुले, लेकिन कोचिंग खुलना आवश्यक है। राजस्थान पुलिस की जब एग्जाम करवा सकते हैं जुलाई के लिए, कह रहे हैं जुलाई में होगी, 15-16 लाख से ज्यादा लोग हैं, तो कई लोग फीस दे देते हैं, वो कोचिंग के लिए तरस देते। इसलिए यही है कि सामान्य स्थिति जैसे हो, सुरक्षा के साथ जल्द से जल्द कोचिंग खोली जाए, या जब भी खोली जाए उसके निर्देश दिए जाए कि आदेश दिए जाए कि इस महीने में कोचिंग खुलेंगी, जो लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कोचिंग कब खुलेंगी, तो उनको राहत मिल सके। इसलिए मैंने लेटर लिखा है, लेकिन ये ना सोचे कि लोग मर जाएंगे। अरे मुझे तो मेरे प्रदेश के युवा साथियों से प्यार है ही नहीं, आपको ही है। तो ऐसे फालतू जो कमेंट करते हैं अच्छा नहीं लगता यार। आप सोचिए, घर से आप तो निकल लिए, मैं तो कोरोना में घर घर घूम रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ, कोई तो आपका MLA MP कोई तो नहीं आ रहा। लेकिन एहसास तब होगा ना जब हम सब कुछ छोड़ देंगे, हमने अध्यक्ष छोड़ा, सही जो प्रवक्ता है वो भी छोड़ देंगे, जब पता होगा ना कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, दूसरा आ गया वो कहेगा भैया मुझे ज्ञापन के पैसे दीजिए, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैसे दीजिए, मुझे पेटीएम करिए, जब आप लोगों को लूटेंगे, जब आप लोगों से डीजल के पैसे मांगेंगे, जब आप लोगों की बात उठाने के पैसे मांगेंगे, तब एहसास होगा कि बेरोजगार महासंघ का कोई लीडर था, कोई अपने आवाज बिना पैसे लिए अपनी आवाज उठाता, तब समझ। अभी समझ नहीं आएगा, अभी तो ये कह दो कि हमारी आवाज नहीं उठा रहा उसकी आवाज। अरे अकेला इंसान हूं यार, हर व्यक्ति की आवाज उठाने की कोशिश करता हूँ, हर लाइफ में मैं बात आपको राहत देने के लिए कि आप संतुष्ट असंतुष्ट आपको मिले, आपकी टेंशन कम हो, आप डिप्रेशन में नहीं आए, क्या स्थिति है, क्या करने वाले, हर लाइफ क्यों आता हूँ। लोग नेता लोग तो इसलिए आते हैं फेमस होने के लिए, हाँ मुझे फेमस नहीं होना है, केवल यही है कि आप लोगों को संतुष्टि मिले। 2 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग मिली, उनके माता पिता उनके परिवार का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं खुश हूँ। लेकिन इसलिए कि लोगों को राहत मिले, इसलिए मैं आपके बीच में लाइव आता हूँ। मैं जो कई बार लाइव यार वीडियो डालता हूँ, ये सोचता है यार कौन वीडियो डालेगा, मैं तो दुखी हो जाता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने कहा यार बेरोजगार दुखी है, उनकी पीड़ाओं को देख के मैं वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों जल्द ही मैं एक और लाइव या वीडियो के साथ लौटूंगा, आप लोग इस जो भी अभियान हम चलाए उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम यार अभियान को सफल बनाएं। जय जय भारत।